नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौरभ। मुजफ्फरनगर में देर रात बदमाशों और पुलिस में एक बार फिर जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश तनवीर और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा और कई कारतूस बरामद किए गए। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के जटवाड़ा पुलिया का है, जहाँ देर रात ककरौली पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार ने बाइक रोकने की बजाय और तेज़ गति से दौड़ाने और भागकर ईख के खेत में घुस गया। बदमाशों ने अपने आप को घिरता देख पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें एक गोली पुलिस कांस्टेबल को लगी, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल की पहचान 15,000 के इनामी बदमाश तनवीर चौधरी के रूप में हुई है। तनवीर पर महाराष्ट्र, लखनऊ, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लूट तथा चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। तनवीर का एक और साथी ईख में घुसकर फायर करने के बाद भागने में सफल रहा। बदमाश की धरपकड़ के लिए पुलिस ने घंटों कॉम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश तनवीर चौधरी से पूछताछ में लगी हुई है। एक गोली लगने की सूचना है। थाना क्षेत्र ककरौली में जटवाड़ा नहर पर एसओ ककरौली और दरोगा जी और अब मैं हमरा यान वहाँ गश्त पर थे, तो अभी थोड़ी देर पहले दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से उधर से गुजरे और पुलिस जैसे ही उन्होंने देखा कि नहर पुल पर पुलिस खड़ी है, तो उन्होंने तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल ब्रेक मार के बैक करी और पुलिस पार्टी पर फायर किया। उसके बाद पुलिस पार्टी के द्वारा उनका पीछा किया गया, तो मेन रोड से वो ये जो साइड रोड है इस पर मुड़ गए और उसके बाद यहाँ ये जो आपके सामने मोटरसाइकिल है इसे छोड़ के दोनों व्यक्ति ईख के खेत में जा घुसे और वहाँ से पोजीशन ले करके अपने आप को छुपा करके फायर करने लगे। एक फायर सामने पेड़ पे भी लगा है। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही को गोली लगी है।